हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गर्म पानी के बारे में। गर्म पानी के बारे में आप लोग सभी को जानते होंगे, गर्म पानी तो पीते भी होंगे, डॉक्टर भी सलाह देता है गर्म पानी पीने के लिए। कोविड के टाइम से बहुत ही आप लोग गर्म पानी पिए होंगे, गर्म पानी का यूज ज़्यादा ही किए होंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ अलग, यानी कि गर्म पानी सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, नीम गर्म पानी के लिए के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। इससे क्या बेनिफिट है, इससे आपको होने वाली बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, जो बीमारी होगा, इससे कितना आपको बचा सकता है नीम गर्म पानी का, आप अगर एवरीडे इस्तेमाल करते हैं तो। हमारे बॉडी में 60% से ज़्यादा पानी की मात्रा मिलता है, और हमें बॉडी में पानी का हमेशा मात्रा को हमेशा कंट्रोल में रखता है। हमारे बॉडी में जो है पानी का लेवल जो हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए, जितना आप पानी पिए उतना ही हमारे बॉडी के लिए कम होता है। हम लोग पूरा पानी मतलब एवरीडे ज़्यादा ही, मतलब डॉक्टर के हिसाब से हमें 5 से 6 लीटर या 8 लीटर का पानी हमेशा एवरीडे हमको पीना चाहिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ नीम गर्म पानी का अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी के लिए कितना बेनिफिट है, और आपको बॉडी को जो इन्फेक्शन होगा उससे कितना हद तक बचा सकता है। अगर आप रात में अगर सोते हैं तो हमारे सोने के बाद हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल रहता है, अगर सुबह अगर सोने के बाद वही अगर ठंडा पानी की जगह अगर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका बॉडी मेंटेन रहेगा, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होने देगा। पहली बात बता दूं, अगर आप सुबह उठने के बाद ठंडा पानी बहुत लोग लेते हैं, मैं ठंडा पानी ना लेके आप नीम गर्म पानी के थोड़ा गुनगुना करके ले तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर आपको कब्ज की बीमारी हो तो आपका नीम गर्म पानी ले, ठंडा पानी ना ले तो आपका कब्ज का बीमारी हद तक दूर कर देगा। अब हमारे ड्राई स्किन का प्रॉब्लम जो होता है ना, बहुत से लोगों में ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है, तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करके अपनी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं। मगर इसको आप कंटिन्यू अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आज लिया बस छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप गर्म पानी का इस्तेमाल, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कंटिन्यू करें, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। नीम गर्म का पानी हमारे वेट लूज में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप नीम गर्म का पानी खाने से आधा घंटा पहले लेते हैं, खाना खाने के बाद तक कंटिन्यू लेते हैं, तो आपका जो वेट है, आपका जो ज़्यादा वेट है, तो आपका वेट आपको लूज करे, आपका वेट को कम कर देगा। क्योंकि आप नीम गर्म पानी का कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो खाना खाएंगे वो खाना आपका डाइजेशन अच्छा से करेगा, और आपका खाना भी आपका शरीर में अच्छा से लगेगा। क्योंकि आपका जो खाना खाते हो वो अच्छा से डाइजेशन होगा, तो लाजिम है कि आपका बॉडी अच्छा बनेगा। और अब आपका अगर जिसका वेट ज़्यादा होगा तो आप गर्म पानी का आप कंटिन्यू यूज कीजिएगा तो वेट कम हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच है, पीएच लेवल को भी कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ये इसका ज़्यादा होने से ही प्रॉब्लम है, इसका कम लेवल भी प्रॉब्लम है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर का पीएच लेवल को कंट्रोल रखता है नीम गर्म का। अब नीम गर्म का पानी कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन बैक्टीरिया से बहुत ही हद तक बचाएगा। आजकल बहुत से लोगों में देखने को मिलता है यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, तो अगर आप कंटिन्यू नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में तो आपके अंदर का यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हद तक बचाएगा, आपके यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने देगा, अगर होगा भी तो कंट्रोल में कर लेगा। आजकल तो कोविड के टाइम में भी कोविड पेशेंट को भी डॉक्टर ने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि बहुत से पेशेंट को डॉक्टर बोलता है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। कितने लोग बोलेंगे कि हम सिर्फ ठंडे में ही नीम गर्म पानी का यूज कर रहे हैं और गर्मी में नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्मी हो ठंडा हो सब में सेम ही रहता है। तो ये नहीं सिर्फ आप सिर्फ ठंडे के दिन में नीम गर्म पानी यूज करें, आप अपने ये गर्मी हो आप गर्मी में नीम गर्म पानी यूज कर सकते हैं, ठंडा के दिन में यूज कर सकते हैं, आप कंटिन्यू यूज कीजिए, आपके लिए ये बेनिफिट दे, कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं है। अगर आपके स्किन में कोई फोड़ा फुंसी हुआ हो और ठीक नहीं होता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेते हैं, ये तो नहीं ठीक होता, आप नहाने के टाइम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आपका जो फोड़ा फुंसी शरीर से अंदर होगा ना वो 100% आपका धीरे धीरे कंट्रोल होगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा इन्फेक्शन इन्फेक्शन कुछ बॉडी में ऐसा होगा तो नीम गर्म से आपका बिल्कुल इन्फेक्शन कम हो जाएगा, खत्म ही कर देगा नीम गर्म पानी। तो ये नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल करके अपने बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, और अगर होगा भी तो वो खत्म कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।